सामने पहले भी हेरफेर हो रही है और आज इसका सबूत हमें मिल चुका है कि बी का मैं एक ही स्ट्रीम की बात करूंगा, सबका डाटा हमें अवेलेबल नहीं हुआ, एक ही स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे उन बच्चों को एडमिशन मिल चुकी है जिनका परसेंटेज कम है और हमारे पास यहां वो बच्चे बैठे हो जिनके मार्क्स उनसे हाई है, तो ऑब्वियसली अगर उनका नाम इनका नाम नहीं आया तो उनका नाम कैसे आया? इसके पीछे मैंने पहले भी एलिगेशन लगाया किसी मंत्री के कहने पर जहां बड़ी बड़ी एडमिशनें हो रही हैं और आज से नहीं बड़ी देर से जहां पे ये चलता आ रहा है, जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से एडमिशनें करवाता है क्योंकि बीसी सर उन्हीं के सिस्टम पे चलते हैं। आज मेरी साहब मांग है अगर अब ओपनली सब कुछ आ चुका है तो इसकी इंक्वायरी तो बनती है। मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो भी इसमें फंसे हुए हैं जिन्होंने बच्चों के साथ ऐसा गंदा मजाक किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें यूनिवर्सिटी से उसी टाइम बाहर करके मैं कह रहा हूं मुंह काला करके पूरे बाजार में घुमाना चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ के ऐसे काम कर रहे हैं। आज मैं इतनी साफ मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मेरा नाम शीतल शर्मा है, मेरी 70% है। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि बच्चे की परसेंट 60 हो, 80 हो, 70 हो, जितनी मर्जी हो, बट अगर हमने अब सब्जेक्ट पास किया है तो हमें एडमिशन मिलनी चाहिए, हमारा भी हक है पढ़ने का। इनको 60% तक मेरिट देना चाहिए था, मेरिट इनको 60% तक रखना चाहिए था कि सारे बच्चों को एडमिशन हो जाए। अगर इन्हें बाद में डिक्रीज करना था वो इनकी सिरदर्दी है, बट इनको हमें एडमिशन लेनी चाहिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जिसके 60% है या जिन्होंने बच्चे ने पास किया है जिनकी कम परसेंट है उनको एडमिशन नहीं मिलेगी? एडमिशन तो सबको मिलनी चाहिए, बस हम इतना बोलेंगे कि ओपन एडमिशन रखें। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी? डिमांड तो बढ़नी चाहिए। अगर हम यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो इनका तो बनता है ना कि हम एडमिशन दें। हम कोई यहाँ पे ऐसे पागल थोड़ी बैठे हैं आके, हम कुछ भी बोलते रहेंगे तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है।